think. Ah! Let go! Let go! Let go! Let go! Please help! बचा, बचाओ! क्या हुआ? वो देखिए ना, कुछ बदमाश मेरे सैली को उठा ले जा रहे, उन्हें बचाइए ना, अच्छा। प्लीज। मैनेजर को लिख दो कि वर्कर्स को तसल्ली दें, उनसे ये कहें कि तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी और अलाउंस भी दिया जाएगा। ओके अंकल, अंकल, तो वो क्या अंकल, आज तो कुछ गुंडे उठा के ले गए। कहाँ, कब, कैसे? हम हैंगिंग गार्डन घूमने गए थे, कुछ गुंडे आए, हम पे हमला किए और आरती को जबरदस्ती उठा के ले गए। कुछ कीजिए ना अंकल, पुलिस को फोन कर। हाँ, मैं फोन करता हूँ, मैं फोन करता हूँ। अंकल, आरती, बेटी, बेटी आरती, ना रो, इतना तो बदला, ये सब कैसे हुआ, कौन थे वो लोग? वो गुंडे मुझे उठाकर एक जगह ले गए, वहां उन्होंने मेरे लाश पर हमला किया। अगर अगर आज ये ना होते तो आपके दामन पर दाग लग जाते, मेरी इज्जत जाती और जान भी। शाबाश बेटा, क्या नाम है तुम्हारा?
अमर। अमर, अच्छा जरा ठहरो। अमर, तुम्हारी बहादुरी ने इस घर की इज्जत बचाई है, मेरी तरफ से इसे इनाम समझकर कबूल कर लो। आप मेरे फर्ज की कीमत चुका रहे हैं, मैंने तो इनकी इज्जत बचाई है, आप मुझे बेइज्जत मत कीजिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपनी खुशी से दे रहा हूं तुम्हें, ले लो। माफ कीजिए, मैं औरतों की इज्जत बचाने की सौदागरी नहीं करता। गुड बाय। कितना शरीफ इंसान है। वाह। वेल डन माई फ्रेंड, यू हैव डन ए वंडरफुल जॉब। आज के ड्रामे की कामयाबी का सिरा तुम्हारे सर है। दोस्त, ड्रामा तो वो था जो मैं अंदर करके आया हूँ, जिसकी तुम्हें खबर ही नहीं है। अरे, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? अच्छा, ये तुम पूछ रहे हो? ड्रामे ही ड्रामे में दो चार हाथ ऐसे असली जड़ दिए तुमने। कोई बात नहीं दोस्त, विस्की के दो ही पैग में इस सारा दर्द दबो डाले। ये खूबसूरत तस्वीर किसकी है? निमो की, मेरी छोटी बहन। पिछले महीने मुझे तारीन के लिए लंदन गई है। छोटी बहन? यानी कि कैलाश बाबू की लड़की? जी, है तो चाचा की लड़की, मगर मुझसे इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है जैसे मेरी सगी बहन हो। मैं आपको बताऊं वो आपसे इतना प्यार क्यों करती है? बताइए। इसलिए प्यार है, प्यार के काबिल। देखो ना, कब से चाय ठंडी होती जा रही है और आप तो। चाय तो ठंडी हो रही है बेटी सचमुच, मगर तू क्यों गर्म हो रही है? ले। हेलो, हाँ मैं आरती बोल रही हूँ। जी, आपके मशवरे का शुक्रिया, मैं अमर को आपसे अच्छी तरह जानती हूँ। सोच रही हूँ? कुछ नहीं, मन ही मन में एक बात ठान ली, दिल ही दिल में एक फैसला कर लिया है। क्या फैसला कर लिया है, हम भी तो सुने। एक, मुझे आपसे अच्छा जीवन साथी और कोई नहीं मिल सकता। आरती। फैसला करने से पहले कैलाश बाबू से तो पूछ लिया होता। पिताजी की मौत के बाद उन्होंने सिने से लगाकर मुझे पाला है। मेरे अंकल ने आज तक मेरी कोई बात नहीं डाली। फिर भी उनकी मर्जी मालूम कर दी होती। कई बार उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन लाश के मारे जुबान नहीं खोली।
मजबूर होकर आज ही मैंने अपनी सहेली को उनके पास भेजा है। आरती अमर, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं अमर जैसे आदमी के साथ अपनी आरती की शादी कभी नहीं कर सकता। उसका दिमाग खराब हो गया है। मैं कहता हूँ उसकी हिम्मत कैसे हुई जो उसने तुम्हें इस रिश्ते की बातचीत करने के लिए मेरे पास भेजा है। आप गलत समझ रहे कैलाश बाबू, मुझे अमन ने नहीं आरती ने भेजा है। ओ, तो इसका मतलब यह है कि आरती को अमर ने बहकाया है। लेकिन आरती अगर दीपक को छोड़कर किसी दूसरे के साथ शादी करेगी तो उसे लाखों की जायदाद से हाथ धोना पड़ेगा और वो ऐसी नादानी कभी नहीं कर सकती। मैं कुछ समझी नहीं अंकल। तो अच्छी तरह समझ लो और आइंदा कभी ऐसी बात अपनी जुबान से मत निकालना। आरती के पिता लाखों की जायदाद छोड़कर चले गए। उस सारी जायदाद की देखभाल मैं करता हूँ। उन्होंने अपनी जिंदगी में दीपक और आरती की शादी तय कर दी थी लेकिन वो बेचारे अपनी आंखों से ये ना देख सके। खैर, अब इस वसीयतनामे की रूह से अगर आरती दीपक को छोड़कर किसी दूसरे के साथ शादी करेगी तो उसे सारी जायदाद से महरूम हो जाना पड़ेगा, समझी? आरती इधर आओ। ये लड़की क्या करेगी? खामोश क्यों, बोलो, जवाब दो। तुम क्या अमर के साथ शादी करोगी? एक ऐसे आदमी के साथ शादी करोगी जिसके ना खून का पता है ना खानदान का। आदमी के खून और खानदान का पता ऊंचे घराने से नहीं, उसके चाल चलन से चलता है। अमर का खून तो उसी रोज बोल पड़ा था जब उसने अपनी जान पर खेलकर मेरी इज्जत बचाई थी। खामोश, अपने बुजुर्गों के साथ जुबान लड़ाते हुए शर्म नहीं आती? कान खोल कर सुन ले आरती, अगर तूने दीपक को छोड़कर किसी दूसरे के साथ शादी की तो जायदाद में तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी और इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुझ पर बंद हो जाएंगे। सुना? अब क्या होगा आरती? कुछ नहीं, मजबूर मोहब्बत का आखिरी कदम होता है बगावत। मैं बगावत कर दूंगी। चंद टुकड़ों के लिए तूने किसी की दुनिया में अंधेरा कर दिया, एक फूल के लिए तूने किसी की बहारों को आग लगा दी। तू पापी है, तू मुजरिम है, तू अपराधी है, तू अपराधी है, अपराधी, 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 अपराधी। परेशान दिखाई दे रहे हैं। नहीं आरती, ऐसी तो कोई बात नहीं। नहीं कैसे, मैं कब से देख रही हूँ आप बड़ी देर से उलझे हुए हैं, किसी गहरी सोच में गुम हैं। तुम ठीक कहती हो, मैं सोच रहा हूँ आरती, आज तुम्हारी सुहाग रात है और हर लड़की की तरह तुमने भी आज की रात के लिए न जाने क्या क्या सपने सोचे होंगे, कैसे कैसे ख्वाब सजाए होंगे। लेकिन लेकिन क्या? मेरे ख्वाब तो अब भी सजे हुए हैं और वो मेरे तमाम सपने सुहाग के इन फूलों की तरह खिले हुए। इन फूलों की जिंदगी ही क्या है आरती, सुबह तक ये सब मुरझा जाएंगे। सुहाग के फूल तो एक रात में ही मुरझा जाते हैं लेकिन औरत के दिल में पति की मोहब्बत के फूल चिता की आग में भी खिले रहते हैं। आरती,
लो राजपाल, 25,000 है, गिन लो। इतने बड़े कामयाब ड्रामे की कीमत 25,000 रुपए? लानत है मुझ पे, और आपको तो क्या कहूं। कैलाश बाबू, आरती को रास्ते से हटाने के लिए आपको उसका खून करना पड़ता। आरती रास्ते से हट गई, आपके दामन पे खून का एक दाग भी नहीं आया। इतने बड़े कामयाब ड्रामे की कीमत कम से कम 1,00,000 रुपए। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा है, मैं इतना नहीं दे सकता। कैलाश बाबू, अमर आरती से शादी कर सकता है तो उसे तलाक भी दे सकता है राजपाल। और फिर वसीयत नामे में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि तलाक के बाद भी जायदाद आपके कब्जे में रहेगी। रहा अमर के असली रूप का सवाल, तो वो आरती के सामने पेश कर देना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। ये लो पूरे 1,00,000 रुपए। जमना, तू खड़ी खड़ी यहां क्या कर रही है? चाय रख दे और चलिए यहां से। कैसे चली जाऊं मालिक? आरती मेरे गुर्दे पली है, उसके गले पर चुप रहा। तमीज, याद रख, अगर ये बात किसी को मालूम हुई तो मैं तेरी जान खींच लूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आरती की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी, मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। आरती कहां है? आरती अमर के साथ। अमर कहां है? मुझे मालूम नहीं, दरअसल शादी के बाद वो मुझसे मिला ही नहीं। कहीं ऐश कर रहा होगा, आ जाएगा। सुनो, ये जमुना उनका पता जरूर जानती है, अगर इसने वहां कुछ कह दिया तो हमारा सारा बना बनाया खेल चौपट हो जाएगा। पॉसिबल। हेलो हेलो, हाँ फोन है तुम्हारा। हेलो, राजपाल स्पीकिंग है। ओह गुड, कहां है वो? लीजिए, अमर का पता मालूम हो गया। कैलाश बाबू, अब एक काम और किए देता हूं आपके लिए। जगू, जमुना काकी घोड़बंदर रोड पे अमर के घर की तरफ जाती हुई मिलेगी, बड़ा ट्रक निकाल लो और उसे रास्ते से साफ कर दो। अरे वही जमुना काकी जो कैलाश बाबू के यहां काम करती है। नॉनसेंस, इडियट, गीता को अपने साथ ले जाओ, वो उसे पहचानती है। गीता? तो क्या गीता आरती की सहेली नहीं है? कैलाश बाबू, ये नोट बड़ी तरकीबों से कमाए जाते हैं। तो जिनके बारे में ऐसे शब्द कह रही है वो मेरे पति, मैं तेरी जबान खींच लूंगी जो फिर कभी ऐसी बकवास की। तो मैंने तेरे बाप का नमक खाया थी, तुझे मैंने माँ बनकर पाला है। चाहे तू मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, फिर भी मैं यही कहूंगी, अमर ने तुझे धोखा दिया है, वो तेरा पति है। मैं जानता हूं, मैंने सब कुछ सुन लिया, जो कुछ इसने कहा है वो सब सच है। मैंने तुमसे कहा था ना आरती, फूलों की जिंदगी ही क्या, सुबह तक सब मुरझा जाएंगे। Thank you.
हो गए क्या? देखनी चीज है क्या? जरा बाजू हटो। क्या देखो, हो फूल लव लवान हो गई। लेकिन अमर, रहने के लिए आलीशान मकान, घूमने के लिए शानदार गाड़ियां, बेवकूफ, ये ग्लैमर तो तुझे जन्नत में भी नहीं मिलेगी। धीरे तुम बोल रहे हो, जरा जोर से बोलो। मैंने आरती को सब कुछ बता दिया। क्या तुमने उसे सब कुछ बता दिया? हाँ, और तुम्हें यह सुनकर ताज्जुब होगा राजपाल, कि वो फिर भी मेरा दामन छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो मैं कब कह रहा हूं कि उसे छोड़ दो? लेकिन यार, ऐसा भी क्या, एक मामूली औरत के लिए सारा कारोबार चौपट किए दे रहे हो? कौन सा कारोबार? ब्लैकमेलिंग, स्मगलिंग। और तुम जिसे मामूली औरत कह रहे हो ना, उसने मेरे लिए महलों की जिंदगी को ठुकरा दिया और इस झोंपड़े में आ गई है। यू आर अ फूल, स्टूपिड। अभी चंद साल पहले मैंने तुम्हें इन गंदी बस्तियों से निकालकर इंसान बनाया था, और तुम फिर उन्हीं गंदी बस्तियों में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हो। कोशिश नहीं, फैसला कर लिया है। तो मैं तुम्हारे इस फैसले का क्या मतलब निकालूं? यही कि तुम अपनी जन्नत में ऐश करो और मुझे इस जहन्नुम में रहने दो। अब तो तुम्हारे नसीब में जहन्नुम ही लिखा है। क्यों मुझे गुस्सा दिला रहे हो यार? तुम अपनी जिद पे अड़े हो, मैं जाता हूं। लेकिन अगर कभी कोई तकलीफ पड़े तो मुझे याद कर लेना। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे पकड़ रहे हैं, मैं तो उन बदमाशों के पीछे भाग रहा था जिन्होंने ये पर्स छीना। उन्होंने हाँ, यही है वो चोर, यही है वो बदमाश, मैंने अपनी आंखों से देखा, यही बैग लेके भाग रहा था। इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। चलो चलो, झूठ सच क्या, हम देख लेंगे। चलो आरती, आरती, क्या पुलिस ने तुम्हारे पति को चोरी के आरोप में पकड़ लिया? अभी अभी बाहर सड़क पर। Thank you.
गम न कीजिए, मेरे कद मेरी आंखें बंद कर आप तक पहुंचते रहेंगे। इंसाफ भी कितना अजीब है आरती, जब मैं गुनाह करता था तो आजाद घुमा करता था, अब मैं भी गुनाह हूं तो सजा पा रहा हूं। बात अमर को बंबई में नहीं रखा जाएगा, फिर उसे नासिक जेल भेजा जा रहा है। तो अब मुझे इसका भी इंतजाम करना पड़ेगा कि आरती का कोई खत उसे जेल में न मिलने पाए। तुम कितना काम करती हो बहन, 2 घंटे की नौकरी और इतना सारा काम, क्या करूं बहन, मजबूरी है। 60 रुपए में कैसे गुजारा करती होगी, तुम कोई अच्छी सी नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेती। अच्छी सी नौकरी, जालिम लोग हैं जो तुमसे इस हालत में भी काम ले रहे हैं। कब से पांव भारी है और 2-1 रोज में तुम मां बनने वाली हो। शशि, मेरी तबीयत बिगड़ रही है, मैं घर जाऊंगी। ताले पे ताला किसने मारा है? ताले पे ताला किसने मारा? सेठ मरवाए हैं और मेहता मारे हैं मेहता, वो तो गनीमत समझो और कुछ नहीं मारे। मुझे कोरट से टाँच भी लिया के मार सकत है, 9 महीने से चढ़ा चला रहा है भाड़ा। आप तो जानते ही हैं मेहता जी, छोटे से लोग 60 रुपए मिलते हैं, गुजारा नहीं होता। कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी तो मैं। अच्छी सी नौकरी? अरे सौदा भी गया, मेन साहब खोमचा रह गया है खोमचा, ऊपर से 1-2 दिन में बच्चा भी हुआ वाले, बच्चे का दूध पिलाइयो कि नौकरी करियो, राय तुम्हारे पति देव वो तो जेहल में बैठ के चक्की पीसत है चक्की। फिर आप ही सोचिए ऐसी हालत में मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी। हमका ये सब नहीं पता है। नाम है तुम्हारा। इसीलिए तो हम उनके प्यारे हैं। यही कहीं पड़ोस में रहती है क्या? या अल्लाह, बस इस दीवार की दूरी है। आपकी दुआ रही साहिबा तो हमेशा हमेशा के लिए इस घर में आ जाऊंगी। अरे नूरी, जरा सैदू को उठा देना।
अब तक पड़ा सो रहा है। जी बहुत अच्छा, या अल्लाह मदद। प्यारे सलीम सुनिए। नहीं नहीं, मैं उठ गया। ये हाथी की बच्ची को क्यों भेजा भाई? आप तरह हट जा दीवार। मैं सो रहूं क्या जागरूं? या जागरूं या सो रहूं, ये क्या गड़बड़ है? तेरा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, अब मेरा दिमाग खराब हो गया। पहले एक अनार कली थी, अब दो अनार और एक कली भी बीच में, ये क्या गड़बड़ घोटाला है? चुप पगले, मैं तुझे बताती हूँ, चल मेरे साथ। अपनी नसीबन खाला का लड़का है, चंपी करता है तेल मालिश। पूरे 8 रुपए रोज कमाता है माशाल्लाह। लो गिलास दे दो। अनारकली मेरी माँ अंधी है, तू आरती बहन का ख्याल रखना। अगर जरा भी गड़बड़ हो गई मैं मेरी माँ को कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन याद रखना तेरे 2 टुकड़े कर दूंगा, अनार अलग और कली अलग। हाँ। मेरा जलवा जिसने देखा वो मेरा हो गया, मैं हो गई उसी की जो मेरा हो गया। माँ जी आप दोनों काम कर रही हैं, लाइए मैं भी कुछ हाथ। अरे नहीं 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 आरती बहन, क्या गजब कर रही हो? सिद्धू के बच्चे ने कहीं देख लिया तो मेरे एक सर के 20 टुकड़े कर देगा। जब वो सुबह जा रहा था सुना नहीं क्या टट्टर करता हुआ गया। क्यों अम्मा? हाँ बेटी, बड़ा जिद्दी लड़का है, बात बात पर उलझ जाता है। आज तो पी कर आएगा नशे में धुत। क्या सैदू भैया शराब भी पीता है? हाँ, वो तो रोज रात को खूब पी के आते हैं, और आज तो वो इतनी बड़ी बोतल भी लेके आएगा, क्योंकि 40 और 5 रुपए जो मिले उसे, खुदा खैर करे। खुदा खैर करे, भगवान खैर करे। देखो भाई मैं क्या लेके आया हूँ। क्या लाया? मुन्ने के लिए झूला। अरे बाबा। अरे ओ हो रे लाला, आज मैं सदके जाऊँ, मैं कुर्बान जाऊँ। अरे ओ हो रे लाला, जियो जियो रे लाला, ओ हो रे लाला, जियो जियो रे लाला। भैया तुम मेरे मुन्ने के लिए पालना लाए हो। और मेरी बहन के लिए क्या लाया हूँ वो जरा देखो। अरे सैदू तुम मेरे लिए भगवान की मूर्ति लाए हो। बहन इसके बाद से पूजा में क्या क्या लगेगा मेरे को बता देना, वो भी ला के दूंगा। मेरे घर में एक तरफ माँ नमाज पढ़ेंगी और एक तरफ तुम पूजा करोगी। सैदू तुमने मुझे बहन बोला है ना? अरे बहन ने तो क्या माँ बोलूंगा क्या भाई, माँ बोलने के बाद से ये पोटा आ गया ना, उन्हें बोलूंगा भाई। भाई अपनी बहन के लिए बहुत कुछ करता है ना? करता है, क्या करने का है बोलो भाई, बोलो ना। तो फिर अपने बहन के इस बच्चे की कसम खाकर कहो आज से तुम शराब कभी नहीं पियोगे। बोलो भैया। कैसे पियूंगा भाई, पहले अल्लाह मियां का डर था, अब तो भगवान भी आ गए, कभी शराब नहीं पियूंगा भैया, कभी नहीं पियूंगा। कन्हैया मेरे शाह
चौपाटी ले जाके भेलपूरी और तुझे हवा खिला के लेके आता हूं। चल बेटा। आरती बेटा, मुन्ने के बाप को आने में अब कितने दिन है? 6 महीने और 7 दिन बाकी। समझे आप लोग, पुलिस हम पे कड़ी नजर रखे हुए है। एक माल दमन में पकड़ा गया, दूसरा मड आइलैंड पे, तीसरा अलेक्जेंडर डॉक पे। अगर यही हालत रही तो कुछ दिनों के बाद हमारा कारोबार चौपट होकर रह जाएगा। नथिंग डूइंग। अब हमारे पास प्रिंसेस के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। बॉस, नासिक से हमारे एक साथी ने ट्रंक कॉल पे खबर दी है कि अमर आज जेल से रिहा हो रहा है। व्हाट नॉनसेंस, उसके जेल से छूटने में अभी 6-7 महीने बाकी हैं। लेकिन अमर ने जेल में अच्छा कैरेक्टर पेश किया, इसलिए उसकी सजा के कुछ महीने माफ कर दिए गए। I need him. मन मौजी राही मस्ताने, राहों में रुकना ना जाने। हम मन मौजी राही मस्ताने, राहों में रुकना ना जाने। अपने इरादों के आगे मुश्किल को मुश्किल ना माने। बातों में कभी ना उलझे साथी रे, साथी रे। हम तो हैं ऐसे दीवाने,
अमन मौजी राही मस्ताने, राहों में रुकना ना जाने। अपने इरादों के आगे मुश्किल को मुश्किल ना माने। मेरा ख्याल है ट्रेन में सारे मुसाफिर एक जैसा मूड लेकर नहीं चलते। किसी को किसी से बिछड़ने का गम होता है और किसी को किसी से मिलने की बेकरारी। भाई साहब आप कहना क्या चाहते हैं? जी कुछ नहीं, मैं तो आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं आपका जज्बात का ख्याल नहीं किया। आप बहुत ज्यादा दुखी मालूम होते। मैं यूं ही गा बजा रहा था। भाई साहब आप मेरे दुखी होने की चिंता मत कीजिएगा, नाचिए खूब गाइए। अरे रे 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 रे, आपने तो ये कह के मेरे दिल के टुकड़े कर दिए। भाई साहब आपका गम मेरा गम, मेरा गम सारे जहां का गम। क्यों सेठ जी? देखा आपने, गम का कितना ही बड़ा तूफान हो, एक भरपूर कहका लगाया और गम पानी। किसी बुजुर्ग शायर ने कहा है ना, गम का हर तूफान गुजर ही जाएगा, गम का हर तूफान गुजर ही जाएगा, मुस्कुरा देने की आदत चाहिए। आप ही देखे ना भाई साहब, लखनऊ से बंबई जा रहा हूँ, दिल में जोश लिए, खरोश लिए, वलवले लिए, काम बन गया, आज मैं लौट, वरना समंदर में छलांग लगा। समंदर में छलांग? आत्महत्या करोगे? आत्महत्या करे मेरे दुश्मन, मैं तो समंदर में छलांग लगा के मोती निकाल के लाऊंगा। मोती? हाँ, मरना मछली का तुम जरूर पकड़ लूंगा। क्या 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 हुआ? अच्छा भाई साहब अब चलता हूँ मैं। मगर तुम रहोगे कहाँ यार? कोई ठिकाना नहीं है। 50 लाख इंसानों का बहता हुआ समंदर है, ये कतरा भी समा जाएगा। अगर तुम जाओ तो मेरे यहाँ रह सकते हो। अरे नेकी और पूछ, भाई साहब कमाल कर दिया आपने। तुम यार बहुत बोलते हो, बातें कम किया करो। चलो अच्छी बात। चलो प्यार भरा दिल तोड़ गए भाई साहब। तोड़ गए भाई साहब। यहाँ एक छोटी सी बस्ती थी, वो क्या हुई? बस्ती बस्ती भाई साहब, बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा गए। थैंक यू भाई साहब, झोपड़े वाले सब उठ गए और उनकी जगह बन गई ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। ये बात आज की है, 3 साल हो गए इस बात को, ये कॉलोनी बनी, झोपड़े वाले सब के सब बिखर गए, कोई मलाट गया, कोई बोरी वाली गया। इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई वहां गिरा, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, गिरते ही चले गए। भाई साहब जरा इसे भी चुप होने के लिए बोलिए भाई साहब। चलो लेफ्ट राइट हॉल्ट आमेन। तुम उधर काय को खड़ा है, इधर आओ। यू फूल, लाइन में खड़ा हो जाओ। ओ नो नो, हम सेठ का मैन है, मिलिट्री मैन नहीं। व्हाट नॉनसेंस नॉनसेंस। ओ Is my father name? My name is Common Sense. Oh, shut up! चलो। जाता, जाना पड़ेगा। जाता हूँ। ए लड़की, तुम ठीक से खड़ा हो। तुम्हारी साड़ी देखो कैसा है? Are you ready? Stop. Left, right. भाई साहब। Left, right. भाई साहब। आप यहाँ कुछ पूछने आए या मुझे मिलिट्री में भर्ती करने लाए? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आपके समझ में नहीं आता? तो ठहरिए, मैं समझ लेता हूँ।
भाई साहब आप पूछ लीजिए जो पूछना, मैं जरा आराम करता हूँ। तुम यहाँ काम करते हो? नहीं, आराम करते हैं। देखते नहीं हो परेड करनी पड़ रही है, पर आपको क्या कष्ट है? मगर ये आज रौनक कैसी है? हमारी छोटी मेम साहिबा लंदन से आ रही है। हाँ। अच्छा, तो यहाँ कोई आरती देवी रहती है? आरती देवी? कौन आरती देवी? ओ, 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 आरती देवी। अच्छा अच्छा। अरे साहब, उसने तो किसी बदमाश के साथ शादी कर ली और कैलाश बाबू ने उसे घर से धक्के मार कर बाहर कर दिया है ना। मगर आप क्यों इतना पूछताछ कर रहे हैं? ये क्या कोई इंक्वायरी ऑफिस का दफ्तर है? एक बात कहूँ? पूछो। तुम किसी से बोलेगा तो नहीं? नहीं बोलेगा, बाय गॉड किसी से नहीं बोलेगा। क्या तुम ऊपर से अंता गफील है? व्हाट अंता? व्हाट गफील? जरा कान इधर करो, क्या तुम क्रैक है? हिमन, तुमको कैसे मालूम हुआ कि हम क्रैक है? अरे हमारा मम्मी डैडी है ना, वो भी हमको यही बोलता है। तुम बहुत गुड आदमी है। अच्छा? तुम उधर ठहरो, हम तुम्हारे लिए चार लॉलीपॉप लाते हैं। लॉलीपॉप? लॉलीपॉप? ए मिस्टर, ऐसे ऊंट की तरह रास्ते में खड़े नहीं होते, अभी गाड़ी लग जाती तो लंबे हो जाते। आप क्या लंबा करेंगी मेम साहब, जहां मौत आर्गन का एक पीस सुनाया, अच्छे अच्छे लंबे हो गए। दादी, क्या आपने आज बाजी वालों को भी बुलाया है? नहीं नहीं, ये लोग जो इनाम मांगने के लिए चले आए होंगे। तो फिर इनको इनाम दीजिए और चलता कीजिए। मेम साहब, बाजे वाला तो बिना इनाम के चला जाएगा, लेकिन आप इतना घमंड न कीजिए कि आसमान फट पड़े। जाओ जाओ मिस्टर, अपना काम करो। बेटे, इस तरह के मामूली आदमी के मुंह नहीं खड़ा होते। मैं कितने बार पूछ चुकी हूँ, आप जवाब क्यों नहीं देते? बेटी, मैं क्या जवाब दूँ, आरती मर चुकी है। नहीं, नहीं, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। जवाब दो, तुमने मेरे साथ ऐसी नीच हरकत क्यों की? तुम्हारा इशारा मेरी कौन सी हरकत की तरफ है? क्या मुझे जेल भिजवाने में तुम्हारा हाथ नहीं था? बिल्कुल नहीं था। क्या तुम कसम खाकर कह सकते हो ये तुम्हारी साजिश नहीं थी? किसकी कसम खाऊं अमर, अपनी, तुम्हारी या गीता की? तो फिर तुम मुझे आज देख कर भागे क्यों? तुम्हें यहाँ लाने का सिर्फ यही एक तरीका। यहाँ लाए क्यों? आरती के बारे में कुछ कहा है आरती? तुम्हें सुनकर दुख होगा अमर। क्यों, क्या हुआ उसे? वो तुम्हारा इंतजार न कर सकी, उसने अपने आप को बेच दिया। राजपाल, मैं तुम्हारा खून काट डालूंगा,
अगर तुमने आरती के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो मैं एक लफ्ज नहीं कहूंगा, सिर्फ शाम का इंतजार करो, मैं तुम्हें आरती को उसके असली रूप में दिखा दूंगा। भेलपुरी खा लिया मुन्ना? क्या भेलपुरी? एक भेलपुरी देना। एक भेलपुरी लो। न जाने तेरे सैदू चाचा कहाँ चले गए। माली क्या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे खबुराए, ये काहे खबुराए। अरे क्या रे पुट्टी, तू अकेली यहाँ कहाँ घूम रही है? अकेली तुम्हें तो रोज घूमता है। पैसे दे, पैसे तेरा हथियार ना जाए, तेरे मुंह पर आंखें हैं या बटन है, देख के नहीं चलता, क्यों गिरा रहे मुझे? ये जबरदस्ती गले क्यों पड़ रही हो? अरे धक्का तुमने मुझे दिया या मैंने तुम्हें धक्का दिया? गिरना तो मुझे चाहिए था और तुम गिर गई। मैं गिर गई, ऐसे ही गिर गई, तूने गिराया तभी गिरी, और ऊपर से अकड़ रहा है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम गुंडे लोग को, जहाँ मेरे जैसी हंसी और खूबसूरत लड़की देखी तेरा राल टपकने लगती है। ए, क्या देख रहे? मेरी अम्मा ही देख रहा हूँ, तुम कहाँ से जवान हो और किधर से खूबसूरत हो। अरे मेरा तो हर तरफ से मैं खूबसूरत ही खूबसूरत हूँ। मेरा नाम अनार चली तेरी क्यों जान रही? क्यों हजरत, ये दिन में क्या लाइन मार रही? मारा मटका बजा दूंगा, समझ गया ना? बहुत मारूंगा, हट ना दू, बहुत मारूंगा, सदा काटूंगा, बर्बाद करूंगा। क्यों तुम हैदराबाद के है क्या? मेरे बाबा हैदराबाद के, मेरी माँ लखनऊ। मैं भी लखनऊ से आया हूँ ना। ये जबान का कैसे इस्तेमाल? अरे जबान तुम बोल रहे हो बोल के मैं बोल रहा हूँ। महमूद को पिक्चर में देखा ना, माँ से मार के लाया हूँ। दीदे फाड़ के क्या देखता, नजर नीचे करना नहीं तो। मेरा एक ही सलील है, कुछ बचाओ। नहीं, क्या समझ रही, क्यों दाव आपको मौत दे रहे भाई? तुम्हारी अकड़ी यहाँ खंगाल डालूंगा, क्या समझे? ये छेंच का है ना, पूरा दूंगा। चाकू से बनाते हैं तुम? अरे तेरा 3 इंच का है तो मेरा 12 इंच का है ना? क्या भाई, जब भी आए क्या हुआ? मेरी पेटी। क्या हुआ? यहाँ तो खाली पेटी भाई, यहाँ तो बहुत लोग क्या क्या मार देते मालूम नहीं है तुमको। बंबई में 90 है क्या? 90 है बेचारा। पेटी गई ना इनकी। पहलवान, इसमें रोने की क्या बात है? तुम मेरे साथ आओ, हम तुम्हारी माँ को ढूंढ देते हैं। मेरे पास वक्त बहुत कम है, चलो जल्दी ये कपड़े बदल लो। नहीं नहीं नहीं, चाहे तुम मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालो, लेकिन मैं ये सब कुछ कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। टुकड़े
टुकड़े तुम्हारे नहीं तुम्हारे पति के किए जाएंगे। एक बार फिर सुन लो आरती, अगर मेरी मर्जी के खिलाफ एक कदम भी उठाया तो तुम्हारी मांग सुनी हो जाएगी, तुम्हारे पति को गोली मार दी जाएगी। तुम मेरे पति को छू भी नहीं सकते, वो तो नासिक जेल में है। जेल में? आओ मेरे साथ, वो देखो सामने। और वो सामने भी देखो, देखो इधर भी देखो। माफ कीजिएगा, मैं आपको पहचानी नहीं। क्या कहा? तुमने मुझे पहचाना नहीं? जी नहीं। मैं अमर हूँ आरती, तुम्हारा पति। इंट्रोडक्शन का ये तरीका मुझे पसंद नहीं, मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती। ये तुम क्या कह रही हो? मैं जेल से आ गया हूँ, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, मैं तुम्हारा पति हूँ आरती। व्हाट नॉनसेंस, एक शरीफ औरत आपको पहचानती नहीं और आप जबरदस्ती रिश्ता कायम कर रहे हैं। ये वही औरत है अमर, जिसके लिए तुमने जन्नत को लात मार दी थी और हम जैसे यारों को भी ठुकरा दिया था। पहलवान रो मत, चुप हो जाओ बेटे, देखो ना भैया जी 10 पैसे के चने दे दो। अच्छा। अरे पहलवान, अब तुम्हारी माँ को कांड। अरे यार, 4 घंटा से बच्चा के लिए परेशान है। अरे एक पुलिस के हवाले कह दिया, पुलिस खुद ही माँ बाप पता लगाएंगे। तुम ठीक ही कहते हो, मैं अभी इसे पुलिस स्टेशन ले जाता हूँ। पुलिस नहीं बेटे, हम तुम्हें पुलिस स्टेशन नहीं ले जाएंगे, हम खुद तुम्हारी माँ को ढूंढ देंगे। बस चुप हो जाओ। मुन्ना कहाँ है? मुन्ना? क्या बोल रहे भाई, वो तो तुम्हारे साथ था ना? नहीं, वो तो मुझसे चपड़ने पर ही बिछड़ गया था। मैं एक मुसीबत से बच गई थी भैया। चलो भाई, उसे चौपाटी में ढूंढेंगे। चलो बाजी वाला, वो चूक लगी। अबे तू मुझे बाजे वाला कहता है? हैं? ले, मुझे बाजे वाला कह के खुद रो रहा है? ओहो, अच्छा बाबा तू मुझे बाजे वाला कह ले और बटाटा वाला कह ले, कांदा वाला कह ले, पुलिस वाला कह ले, पर तू तृप्त तो हो जा। तुझे खाना खाना है ना? मैं तुझे खाना खिलाता हूँ, बता तुझे क्या खाना है। आमलेट खाएगा, मटन खाएगा और मुर्गी खाएगा। क्यों बाजे वाले, के गैस निकल गई? हाँ पहलवान, गैस निकल गई, किसी ने पर्स मार दिया। अब क्या होगा? चलो कोई बात नहीं, कुछ छुट्टे पैसे हैं, उन्हीं से गुजारा कर लेते हैं। अबे बाजे वाला खाएगा तो तबले वाला भूखा रह जाएगा। पहलवान माल खत्म हो गया, जल्दी जल्दी खा लो, चल के कहीं सोने का इंतजाम करना पड़ेगा।
आगे
वही बाजे वाला हूं, लेकिन आपसे इनाम मांगने नहीं आया। देखिए, आप तो बुरा मान गए, मैं तो आपके गाने की तारीफ करने वाली थी। क्या मेरा गाना? छोड़िए, क्यों छोटे आदमियों को मुंह लगाती हैं आप? चलो पहलवान। लगी। मैं क्या करूं मेरे बेटे, मैं खुद बहुत मजबूर हूं। तू मेरी जान से ऐसे अटक गया कि मैं मजदूरी भी नहीं कर सकता, कहीं जाके पत्थर भी तो नहीं तोड़ सकता मेरे बेटे। तुम मुझे समंदर में फेंक दो। नहीं नहीं बेटे, बेटे वो लोग जो ये कहते हैं ना कि मालिक भूखा उठाता है भूखा सुलाता नहीं, वो सब बकते हैं, झूठे हैं। खुदा और भगवान की फिलॉसफी मर चुकी। चने वाला चने गरम चने गरम चने गरम गरम चने। भैया जी, ये बाजा है मोतारगन, इसे तुम ले लो और एक पुड़िया चना हमारे बच्चे को दे दो। ये बहुत कीमती है और बहुत अच्छा है, इसमें 18 ताल हैं और 22 सुर निकलते हैं। निकलते वही हम का करेगा, हम न कहूं कौन नौसाद या शंकर या किशन थोड़ी बनेगा है। मिस्टर, हम जू पर हर मॉर्निंग और हर इवनिंग में आता है। आता होगा। हम आज भी मॉर्निंग में आया, तुम्हारा गाना सुना, तुम बहुत अच्छा गाता है जी। तुम बाजा भी बहुत अच्छा बजाता है, मगर तुम अपना बाजा चना वाला को क्यों बेचता था जी? नहीं, वो तो मैं कुछ नहीं, वो मैं। मिस्टर, हम सब समझता है, सब जानता है, लाइफ बहुत जालिम है, हम अपना लाइफ में ऐसा बैड डेज बहुत देखा है। हमारा घर हमारा कॉटेज में हम इधर रहता है। नहीं 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 मिस्टर, हमको लाइफ में दो चीज अच्छा लगता है, एक ब्यूटी, दूसरा म्यूजिक। ऑलराइट, कम ऑन कम ऑन कम ऑन मैन एंड कम ऑन। मिस्टर सैबो, खाने में कितना देरी लगेगा, जल्दी करो, मैन बच्चा को भूख लगा है। ओ गॉड, अब बनाएगा लाएगा कान को घूम मारता मैं।
नहीं माजी, नहीं, मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा, गले से रोटी नहीं उतरेगी। खा ले बेटी, जिद नहीं करते। कैसे खा लूंगा, मालूम नहीं मेरे बच्चे ने चार दिन से कुछ खाया होगा कि नहीं। अल्लाह सबको रोजी रोटी देता है, तेरा बच्चा जहां भी होगा भूखा नहीं होगा बेटी। मिस्टर शेखर, तुम इधर रहेगा, तुम्हारा राजू भी इधर रहेगा, बट मिस्टर शेखर हमारा भेजा कुछ काम करने को सकता नहीं। क्यों? वो बात यह है कि हमारा एक बेबी है, आई मीन डॉटर है, डॉटर, वेरी चार्मिंग गर्ल, वेरी लवली गर्ल और वेरी गुड गर्ल, बहुत अच्छा है, बट उसका भेजा गर्म है। जी, दिमाग गर्म है क्या? बोलेगा बाबा, वो कुछ क्रैक है। क्या पागल है? नॉट एग्जैक्टली पागल, बट उसका टाइप ये है बाबा, उसका आई साइड वीक है और उसका मेमोरी बहुत होपलेस। माय गॉड, वो ऐसी है क्या? वो रोज रात को ग्रांड होटल में पियानो बजाती है। पियानो? क्या पियानो? पियानो अंकल, तो हम भी बजाएगा क्या? She's come, huh? She's come. हम तुम्हारा खोपड़ी बजाएंगा। सलाम मवाली। सलाम गुंडा। सलाम बदमाश। तुम इधर काय को आया? बेबी, बेबी तुम इसको जानता क्या? यस, जानता है, बहुत अच्छी तरह जानता है। ये बहुत डैमेज है। पापा, हम क्रिसमस नाइट को ताज में डांस करता होता, ये हमको धक्का दिया, हमको आंटा बोला, हमको गप्पील बोला, हमको क्रैक बोला, क्यों बोला? अरे बेबी, तुम कैसा बात करता है, वो कोई और होएगा, ये पोर फेलो तो अभी 4 डेज हुआ बॉम्बे आया है। तुमको 4 दिन हुआ बॉम्बे को आया? हाँ। तुम हमारे मम्मी डैडी को फ्रॉड बनाते हैं? नहीं नहीं, हम फ्रॉड नहीं बनाता। ये देखो हमारे पास टिकट है, डेट देखो। लखनऊ टू बॉम्बे। हम लखनऊ से आए। और मैंने तुम कहीं से भी आए, तुम रेलवे को चीट किया है। हम रेलवे कैसा चीट किया? मैंने तुम ये टिकट गेट के ऊपर काय को नहीं दिया? कैसा देगा, वो हमसे टिकट मांगे ही नहीं, ऐसा हाथ फैला के गेट पे बोलता था, जो देगा उसका भला, जो नहीं देगा उसका भी भला। बताओ बेबी, हम उसको कैसा टिकट दे देता? What a nice child. कौन पैदा किया इसको? बेबी, तुमको ये बाबा पसंद है? बहुत पसंद है, पर कौन पैदा किया इसको? बेबी, कोई भी पैदा किया, इसको घर में रखेगा? What रखेगा? रख लिया। पर बेबी कैसे रखेगा, ये बाबा तो इसके साथ में आया है। वादा नहीं, इसको बंद रखेगा, उसको बंद रखेगा, दोनों को रखेगा। वेरी गुड बेबी, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन मिस्टर शेखर, तुमको भी रखेगा और बाबा को भी रखेगा। दैट्स राइट, दैट्स राइट। अरे बॉस, तुमको क्या बोलेगा, तुम इसका गाना सुनेगा तो तुम्हारा कलीजा फट जाएगा, और तुम इसका माउथ ऑर्गन सुनेगा तो तुम्हारा दिल फट जाएगा, और तुम इसका डांस देखेगा तो बॉस तुम्हारा 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 क्या बोलेगा। मिस्टर शेखर। यस बॉस। हमारे होटल को अच्छे डांसर्स की बहुत जरूरत है, हम आज ही आपकी ट्रायल ले लेते, लेकिन क्यों बॉस, आज आप बहुत बिजी हैं क्या? नहीं, बिजी बिजी कुछ नहीं, बात यह है कि हमारे होटल में एक बहुत बड़ी प्रिंसेस आ रही हैं, हमने उनके ऑनर में एक पार्टी अरेंज की है। तो बॉस, वहाँ पर नाच और गाने का भी प्रोग्राम होगा? नाच और गाना? अरे हंगामा होगा, हंगामा। तो बॉस, मुझे भी 2-4 स्टेप डांस करने का मौका दीजिए, अगर मैं आपकी राजकुमारी को खुश न कर सका तो चुटोर की सदा मेरी सदा, और आप चाहे तो मेरा नाम भी बदल सकते हैं। चलो यूं ही सही, अगर तुमने आज की पार्टी को रंगीन बना दिया तो नौकरी पक्की और तनख्वाह मुंह मांगी। थैंक यू बॉस, थैंक यू बॉस, अभी हम तुमको एक खुशखबरी देंगे, हम निम्बू को डांस करने के लिए बना दिया है। Wonderful. चलो Wonderful.
प्रिंसेस आ रही है और हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता रह गया है। तुम कोई भी रास्ता निकालो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने अपनी कसम तोड़ डाली है। वो तो ठीक है अमर, लेकिन इस बार प्रिंसेस का आना हमेशा की तरह नहीं है। हमारे चारों तरफ खतरा है, पुलिस पूरी तरह हमारे पीछे लगी हुई है। तुम फिक्र मत करो, पुलिस से निपटना मुझे आता है। गुड, वेरी गुड। मिस्टर कुलकर्णी, यस, आप इसे फॉलो कीजिए, मैं दूसरी जीप लेकर चेक पोस्ट की तरफ जा रहा हूँ। ओके, चलिए बैठिए।
आवाज की तो कोई मार दूंगा। My boy. Hi, Amar. Hi, Miss. Zindabad. Zindabad, Amar. Gita. Right. देखा तुमने? Smuggling का नया तरीका कितना कामयाब रहा है। पुलिस के सामने, लोगों के सामने 20 लाख का माल। आखिर अमर सीधे रास्ते पे आ ही गए। पुलिस ने हमें चारों तरफ से घेर लिया था। अगर अमर ना होता तो हम सब डूब जाते। उल्टी सीधी चाले चलकर अमर को तो तुम सीधे रास्ते पे ले ही आए हो। अब ये बताओ कि तुम कब सीधे रास्ते पे आओगे? मैं बिल्कुल सीधे रास्ते पे हूँ गीता। मेरे तमाम रॉकेट अपने टारगेट की तरफ चले जा रहे हैं। मेरी बात उड़ाने की कोशिश मत करो, मैं अपने बारे में पूछ रही हूँ। ओ तुम्हें तो मेरी हालत मालूम ही है गीता। हर रोज एक नई परेशानी, एक नई उलझन। जरा इन मुसीबतों की जंजीरें टूट जाएं, तो फिर हम दोनों एक जंजीर में बंध जाएंगे, शादी कर लेंगे। तुम्हें रात की पार्टी पसंद आई? बहुत पसंद आई। क्या डांस किया उसने डांसर ने? तुम उस डांसर की बात कर रही हो? हमें तो निम्मो घायल कर गई। वैसे मैंने उस डांसर को 600 रुपए महीना पे अपॉइंट कर लिया है। पापा, बेबी। ओ पापा, अब ये 600 रुपए पगार लाएगा। देखो शिकर, तुम दर महीना पगार लाएगा, तुम हमको दो, हम उसको जमा करेगा। तुम जमा करके क्या करेगा? हम तुम्हारा शादी बनाएगा, फिर तुम ऐसा दो चार बच्चा बनाएगा और हम तुम्हारा बच्चा लोगों को खिलाएंगा। अरे बुड्ढी माँ, तुम हमारा शादी क्या बनाएंगा? शादी तो हम तुम्हारा बनाएंगा और अपने सिस्टर के माफिक बनाएगा और एक फर्स्ट क्लास डबल क्रैक हस्बैंड तुम्हारे लिए लाएगा। वेरी गुड, वेरी। ठहरो, हम अभी आते हैं। बेटे, आंटी क्रैक है, क्रैक है ना? आंटी बुड्ढी है। आ, तुम मारेगी। हम बुलता है, तुम जाओ उसके साथ। आमीन। आपकी नाराजगी की वजह मेरी समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई आपके? सुना है लोग अपनों से नाराज हुआ करते हैं। जी आप मुझे कब से अपना समझने लग गई? जब से आपका गाना सुना है। ओहो, ये बात है। छोड़िए भी, एक बार मुझसे भूल हो गई थी, अब दूसरी बार माफी मांग लेती हूँ, माफ कीजिएगा ना। माँ बदौलत जरूर माफ कर देंगे, लेकिन एक शर्त पर। आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है, फरमाइए। जो मांगूंगा मिलेगा?
जान से ज्यादा तो नहीं मांगेंगे ना? अजी जानी लेनी हो तो हाथी या शेर की लेंगे, आपके लिए के क्या करेंगे? वैसे खुद की भी जान अपने पर भारी पड़ रही है। फिर मेरी भी एक शर्त है। फरमाइए। आज मैं बहुत खूबसूरत जगह पे जा रही हूँ, वहाँ बाजे वाला गाएगा और फिर जो मांगना है मांग लेगा। अजी इत्मीनान रखिए, बाजे वाला गाएगा भी, बजाएगा भी और इनाम मिलेगा। मिलेगा। जरा मुँह इस तरफ तो कीजिए, इस तरफ कीजिए ना। मेरा मतलब ये है कि आपके कान में कुछ कहना चाहता हूँ। ये चाबी मुझे दे दीजिए, इस हालत में अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो जरूर एक्सीडेंट कर देंगे। मैं गाड़ी चलाता हूँ, आइए आइए बैठिए ना, आइए आइए ना, आइए आइए बैठिए। भेजा था सूट बनाने को और तुम इधर डांस बनाता है, रोमांस करता है, क्या अपना आंख का कपड़ा पन घुमाएगा? अरे तुम कैसे चौंक रही है लीना, तुम ही हमसे बोला था इनके साथ आने को। हम बोला था? हाँ। हम बोला होएंगा तो ठीक कुछ बोला होएंगा, पर हम इधर काय को आया, काय को आया? जल्दी सोच, जल्दी सोच, तेरी खोपड़ी में तो आधा ही भेजा है। हाँ, हम इसके लिए आया था, तुम इधर डांस बनाता है और ये हमको घर में डांस बनाता है, इसको संभालो, हम जाता है, हमको बहुत काम है। दुनिया में ये भी एक कैरेक्टर है, बनाने वाले ने इसे बनाकर साचा तोड़ दिया, अब दोबारा नहीं बनाएगा। कितना प्यारा बच्चा है, लीला ने कहा था ये आपको चौपाटी पर मिला था? हाँ निम्मो, बहुत तलाश किया इसके माँ बाप को लेकिन कहीं पता नहीं चला। ना जाने इस बच्चे के माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी, उनकी ममता इससे मिलने के लिए तड़प रही होगी।
गाड़ी बैठो। कहाँ जा रहे तू? कहाँ लेके जा रहे हो तब? चुपचाप गाड़ी बैठो। चलो माजी। चलो हाँ और इस तरह उनसे मिलने के बाद मैं फिर बिछड़ गई। न जाने वो मेरे बारे में क्या क्या सोचते होंगे। तुमने नादानी की आरती बहुत बड़ी भूल की। मैंने पहले ही तुम्हें अमर के बारे में टेलीफोन पर बता दिया था, लेकिन तुमने मुझे डांट दिया ये कहकर कि तुम अमर को मुझसे ज्यादा जानती हो, और मेरे बार बार कहने पर भी तुम मुझसे शादी कर बैठी। मुझे आज भी अपनी शादी का कोई दुख नहीं, बिल्कुल पछतावा नहीं, लेकिन शादी के बाद मुझ पर जो मुसीबतें टूटी है वो मेरा दिल ही जानता है। अगर आज ये दोनों मुझे सहारा ना देते, मेरी मदद ना करते, तो मैं कब की मर चुकी होती। मैं तुम्हारी मुसीबत में तुम्हारा साथ ना दे सका, इसका मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। लेकिन बेटी, तुम्हारी शादी के बाद मैं नैरोबी चला गया था। जब साल भर के बाद लौटा, तुम्हारा कोई पता ही नहीं था। कहां कहां ढूंढा, कितना तलाश किया, लेकिन तुम्हें मिली ही नहीं। और आज दोष आपका नहीं अंकल, दोष मेरे नसीब का है। जो कुछ लिखा था सामने आ गया, लेकिन लेकिन अंकल मेरे मुन्ने का क्या होगा? मेरा बच्चा मुझे कहां मिलेगा? बच्चा? तुम्हारा बच्चा भी है? जी। कहां है? उसी शाम जब उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया था, मेरा मुन्ना उससे चौपाटी पर बिछड़ गया। तो अरे बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। तुम्हारा बच्चा तुम्हारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए कि वो तुम्हारी तमाम जायदाद का वारिस है। जी मैं कुछ समझी नहीं अंकल। बेटी ये तो तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे पिता का सिर्फ दोस्त ही नहीं, लीगल एडवाइजर भी था। जब आखिरी वक्त उन्होंने देखा कि कैलाश बाबू की नीयत खराब है, तो उन्होंने दूसरी वसीयत कर दी। दूसरी वसीयत? वो क्या है? वो मेरे पास है, उसमें साफ साफ लिखा है अगर आरती दीपक से शादी नहीं करती तो उसे जायदाद से महरूम कर दिया जाए, और अगर उसके बेटा है तो तमाम जायदाद का वारिस तो उसका बेटा होगा। वारिस? जमुना शेखर, अरे अमर भाई तुम इतने दिनों से कहां थे? हाँ उस्ताद, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। अरे इतने अच्छे डांसर हो तुम, मुझे तो मालूम ही नहीं था। तुमने मेरा डांस कहां देख लिया था? ग्रैंड होटल में, प्रिंसेस की पार्टी में। प्रिंसेस की पार्टी में? हाँ। पता नहीं छुपा रुस्तम मैं हूं या तुम हो। मैं तो अमर सिर्फ इतना जानता हूं कि तुमने मुझे सहारा देने का वादा किया था और अचानक बेसहारा छोड़कर चले गए। माफ करना दोस्त, मैं उस दिन अजीब उलझन में गिरफ्तार था। चलो आज मैं अपने बारे में तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। अभी तो नहीं अमर, शाम को होटल में मिलेंगे। फिलहाल मैं मेम साहब की वर्दी में हूँ। अमर यार तुम तो कहते थे बम्बई में तुम्हारा कोई भी नहीं है, मगर ये बीवी और बच्चा? ओ बच्चा तो होगा अपने बाप का। रहा सवाल मेम साहब का, ये अभी तक किसी की बीवी नहीं बनी। ये लंबा आदमी तुम्हारा दोस्त है? अरे पहलवान ऐसी बातें नहीं करते, ये तुम्हारे अंकल है। ये अंकल क्या होता है? अंकल बेटा चचा को कहते हैं जो बाप का भाई होता है, उसी। करेक्ट। तुम झूठे हो, बाप का भाई कैसे होगा? मेरा तो कोई बाप ही नहीं है। नॉटी बॉय, बड़े को ऐसे नहीं बोलते। चलो माफी मांग लो। जाने बच्चा है, बच्चे जैसी बातें करेगा। अरे अरे शेखर याद है परसों मेरी बर्थडे है, इन्हें जरूर लाना। क्यों नहीं, जरूर आएंगे। माफ करना मैडम, मुझे ऐसे लगता है मैंने आपको पहले कहीं देखा है। अरे जरूर देखा होगा, ये मिस निम्मो है, शहर के सबसे बड़े दौलतमंद कैलाश नाथ जी की लड़की है। अब मैंने इनको तो नहीं, इनकी तस्वीर को जरूर देखा है। दोस्त याद रखना, कैलाश बाबू की दौलत पर नागिनें बैठी हुई है, और कहीं दस लिया तो जिंदगी भर जहर नहीं उतरेगा। अचानक इन्हें क्या हो गया? शहर, दौलत, नागिन, ये सब क्या फरमा गए? फरमा नहीं गए, बकवास कर गए। कसूर उनका नहीं, इनकी लंबाई का है। चलो काफी लोग आ चुके हैं।
Hello, Harry, my boy, my boy. Come on, be comfortable. You. Have your seat, have your seat. मैंने आपको कहीं देखा है। एक कौन है आप? है जी, मुझे शेखर कहते हैं। मैं निम्मू का दोस्त हूँ। हाँ हाँ हाँ, निम्मू के सभी दोस्त ऊंचे घराने के हैं, बड़े बड़े लोग हैं। मेरे ख्याल में निम्मू और आपकी मुलाकात लंदन में हुई होगी। हाँ जी, नहीं, मैं आज तक लंदन नहीं गया। हम लोगों की तो यहीं की मुलाकात है। ओहो हो, तो कहाँ रहते हैं आप? मरीन ड्राइव पे बंगला है आपका या मलाबार हिल पे? हाँ माफ कीजिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरा कोई अपना घर नहीं। मैं दूसरों के साथ एक मामूली से घर में रहता हूँ। मामूली से घर में रहते हैं वो भी दूसरों के साथ? मैं तो समझ रहा था कि आप बहुत बड़े आदमी होंगे, कम से कम 10-20 लाख रुपया बैंक बैलेंस होगा आपका। मैंने अपने आप को गरीब कहा, इसका मतलब ये नहीं कि बैंक बैलेंस ही नहीं। अरे वाह, ये क्या बात हुई, आप बहुत गरीब भी हैं और बैंक बैलेंस भी रखते हैं? जी हाँ, सोना चांदी नहीं, रुपया पैसा नहीं, एक छोटी सी क्रिश्चियन फैमिली की मोहब्बत है, वो मेरा बैंक बैलेंस है। मैं, तुम कितना लेजी आदमी है, कितना टाइम लगा दिया आने को। एक तो लेट आया, ऊपर से स्पीच जाने को खड़ा हो गया। निम्मो डांस करने को मना करता है, वो बोलता है कि शेखर गाएगा तो हम डांस करेंगे। चलो। कितना प्यारा बच्चा है। हाँ सही। Come on, please, have your seat, have your seat. आई आई आई। इतनी देर क्यों की? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सॉरी निम्मू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओह शेखर, थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारी निम्मू की सालगिरह की जश्न है। इस पार्टी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ग्रैंड होटल के नए कलाकार मिस्टर शेखर हम सबके अनुरोध पर एक गीत पेश करेंगे और आपको ये जानकर खुशी होगी कि शेखर साहब के गीत को हम महफिल में अकेले नहीं रहने देंगे, यानी कि वो गाएंगे और निम्मू डांस करेगी। चांद भी है सितारे भी हैं बज्म में, चांद भी है सितारे भी हैं बज्म में, जाने का राज है क्यों उजाला नहीं, छेड़ दी मैंने दिल की ये बातें कहां, दिल की बातें कोई सुनने वाला नहीं, चांद भी है सितारे भी हैं बज्म में। मुझको मुंह फेर लेते हैं सब, मेरा चेहरा गरीबी का है इश्तेहार, देख के मुझको मुंह फेर लेते हैं सब, मेरा चेहरा गरीबी का है इश्तेहार, अपने सर पे चिताए अपनी रखे हुए, अपने सर ठोकरें
आगे हजार और किसी ने भी बढ़ के संभाला नहीं, दिल की बातें कोई सुनने वाला नहीं। चांद भी है सितारे भी हैं बज्म में, अगर फोड़ना है तो सर फोड़ लो, साया ढूंढो ना चांदी की दीवार में। सर अगर फोड़ना है तो सर फोड़ लो, साया ढूंढो ना चांदी की दीवार में। प्यार का गीत सोने की झनकार में, खो गया आके सोने की झनकार में। दर्द पत्थर ने सीने में पाला नहीं, दिल की बातें कोई सुनने वाला नहीं। चांद भी है सितारे भी हैं बज्म में, ढलती रही जश्न होता रहा। रात ढलती रही जश्न होता रहा, लोग हंसते रहे कोई रोता रहा। शुक्रिया किस जुबां से अदा कीजिए, शुक्रिया किस से अदा कीजिए। दिल में कांटा जमाना चुभोता रहा, दिल में कांटा जमाना चुभोता रहा। मुझको महफिल से लेकिन निकाला नहीं, दिल की बातें कोई सुनने वाला नहीं। चांद भी है सितारे भी हैं बज्म में, जाने क्या राज है क्यों उजाला नहीं। छेड़ दी मैंने दिल की ये बातें कहां, दिल की बातें कोई सुनने वाला नहीं। चांद भी है सितारे भी हैं बज्म में। तुम बहुत अच्छा गाया, हम तुमको 4 लॉलीपॉप देंगे। मुबारक हो निमो, वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। बहुत शानदार पार्टी रही। लेकिन मेरे ख्याल से तुमने एक गलती की। गलती? वो क्या अंकल? तुमने अपनी बहन को नहीं बुलाया। बहन? मेरी एक ही बहन थी आरती, वो मर चुकी है, फिर मैं किस बहन को बुलाती? क्या आरती मर गई? ओह, कैलाश बाबू ने तुम्हें यह खबर कर दी कि आरती मर गई? नहीं, आरती मरी नहीं, जिंदा है। ये क्या कह रहे हो? उसने अपनी मर्जी की शादी कर ली थी, तुम्हारे डैडी ने घर से निकाल दिया, वो मेरे पास है, जब तुम्हारा जी चाहे उससे मिल लेना। ये तो समझना कि चाचा की तरह तुम्हारी बहन का भी खून सफेद हो गया है। चलो दीदी, चलो घर चलो। निमो, तुम्हारे दीदी का बच्चा खो गया है, जब तक वो नहीं मिलेगा ये घर नहीं जा सकते। क्या
दीदी का बच्चा भी है और वो खो गया है। बच्चा चपाती पर तो नहीं खो गया था? हाँ, वही खो गया था, छोटा सा, कोई 3-4 साल का। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? दीदी मेरी एक सहेली है लीना, उसके घर में मिस्टर शेखर रहते हैं। कोई रोज हुए उसको एक बच्चा चौपाटी पर मिला था। वो बच्चा अपना नाम राजू बताता है। राजू? अंकल, अंकल वही बच्चा है, मेरा राजू। तुम्हें लीना पर मालूम है? हाँ, हाँ, अंकल। चलो चलो को जानते हो तुम? क्या हजरत जानते क्या, ये बच्चे को मैं बचपन में हिला हिला के खिला पिला के पाला ना। इसकी माँ कहाँ है? माँ वो तो पहले मेरे घर में रहती थी, अब दूसरे के घर में रहती है ना हजरत। वहां तुम मुझे ले जा सकते हो? हाँ, लेके चलता हूँ। टैक्सी। चलो बेटा आओ मेरे साथ आओ। चलो। और ये बच्चा मेरे लिए बहुत जरूरी है, ये बच्चा तुम मेरे पास ले आओ, मैं तुम्हें माला मार दूंगा। पूरी बात अब समझ में आई, यानी कैलाश बाबू अगर वो बच्चा आपको न मिला तो आप अल्लाश हो जाएंगे, पाई पाई को मोहताज हो जाएंगे। हाँ दोस्त, कुछ ऐसी बात है, मजबूरी है, लेकिन ये काम तुम्हें नहायत होशियारी के साथ करना पड़ेगा। आप फिक्र न कीजिए कैलाश बाबू, ये काम इशारों चुटकियों का है, इसलिए कि मेरे पास अमर जैसा बहादुर और स्मार्ट आदमी है क्या मेरी मुट्ठी में? अमर? तो क्या ये काम तुम अमर से लोगे? अमर से ज्यादा मुनासिब आदमी और कौन हो सकता है? लेकिन मेरा ख्याल है कि अमर, राजपाल ये मत भूलो कि अमर उस बच्चे में खून का रिश्ता भी है, ऐसा ना हो कि ऐन मौके पर उसे राज मालूम हो जाए, उसके कदम डगमगा जाए और हमारा सारा प्लान चौपट हो जाए। कैलाश बाबू, मुझे अमर से पुराना इंतकाम लेना है, उसने एक बार आरती के सिलसिले में मुझसे गद्दारी की थी। क्या मजा आएगा जब एक बाप खुद अपने बेटे को मौत के मुंह में धकेल देगा, और वो भी सिर्फ पैसों के लिए। खैर वो तुम जानो, तो क्या मैं यकीन कर लूं कि वो बच्चा आज ही रात को मेरे पास पहुंचा दिया जाएगा? श्योर, सर्टनली, लेकिन उसकी पूरी कीमत मेरे पास पहुंच जाना चाहिए। मैं तो तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। चलो 2 लाख रुपया। बहुत कम। 3 लाख? अच्छा 4? बात कुछ जची नहीं। अच्छा तो 5 लाख रुपया। लाखों का चैप्टर मैंने क्लोज कर दिया है कैलाश बाबू, अब की बार सौदा जरा हटकर होगा। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हें उस बच्चे के लिए क्या चाहिए? उस बच्चे के लिए मुझे आपकी बेटी चाहिए। राजपाल! गीता, कैलाश बाबू और राजपाल दोनों ही शतरंज के खिलाड़ी हैं, लेकिन इस वक्त कैलाश बाबू का सवार राजपाल के प्यादे के नीचे आ गया है। अकलमंदी इसी में है कि ये अपना सवार पीछे कर लें। मगर ये तो सोचो तुम क्या कह रहे हो, कितनी बड़ी कीमत रख रहे हो। ऐसी कीमतें चुकाना आपके लिए कोई नई बात नहीं। एक बार सगे भाई को जहर देकर मार दिया, दूसरी बार भतीजी को कुर्बान कर दिया, इस बार बेटी को बलिदान कर दीजिए। मैं निम्मो को बहुत प्यार करता हूं, मैं उससे शादी करूंगा। राज बाबू, अगर आपने मेरी मांग पूरी ना की तो अंजाम सोच लीजिए, लाखों की दौलत, बंगले, गाड़ियां, ऊंची ऊंची बिल्डिंग और मिले सब आपके हाथ से निकल जाएंगी, और मिस्टर खन्ना उस बच्चे को कानूनी तौर पे इस जायदाद का वारिस बना देंगे। आपके हाथ में भीख के प्याले के सिवा कुछ भी ना रहेगा। ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं निम्मो का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, लेकिन वो बच्चा आज ही रात को मेरे पास पहुंच जाना चाहिए, आज ही रात को। मुझसे शादी करोगे? बहुत खूबसूरत लड़की है, जब वो डांस करती है तो उसका हर स्टेप दिल की धड़कन बन जाता है। तो फिर तुमने आज तक मुझे किस आस पर रखा था? पगली गंजी, तुम समझती निम्मो से शादी करने के बाद मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से अलग कर दूंगा? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तुम मेरी जिंदगी में रहोगी और उसी तरह जिस तरह रहती आई हो। तुम
और कैलाश बाबू दोनों शतरंज के खिलाड़ी हो, लेकिन इस वक्त जो शतरंज तुम खेल रहे हो उसका एक कोना मेरे मुट्ठी में आ गया। मैं जब चाहूं पूरी दिशा उलट सकती हूँ। समझती है कि ये राज इस चार दीवारी से हारा जा सकता है? मंगू, रमेश, बंद कर दो इसे। देखो तुम, अंकल लीना कहाँ है? वो तुम्हारा बर्थडे पार्टी पर गया था। क्या वो अभी तक आया नहीं? वो भी आता ही होगा, चलो अंदर बैठो। कम ऑन, तुम इधर क्या करता है? मैं लीना, शेखर और राजू कहाँ है? शेखर का मूड ठीक नहीं था इसलिए वो नहीं आया। राजू उसी के साथ कुछ होगा। अब क्या होगा अंकल? मेरा बच्चा। नहीं बेटे घबराने की कोई बात नहीं, अभी आते होंगे। आती दीदी कहाँ है? मैं मुन्ने को लेकर आना मिलाने के वास्ते। हाँ, अरे तुम मुन्नी को लेकर यहाँ आए? वो तो मुन्नी को मिलने के लिए खन्ना साहब को लेकर लीना के घर गई है। लीना? जी हाँ, हमारे घर। अच्छा, चलिए चलिए। शेखर उस बच्चे को लेकर अभी तक घर नहीं पहुंचा है और वो यहीं से गुजरेगा। अरे तुमको यार कैसे मालूम है इधर से गुजरेगा वो? मैंने सब मालूम कर लिया है। अच्छा अमर आ रहा है, बी अलर्ट। क्या बात है भाई साहब? शेखर यार, तुम भी अजीब किस्म के इंसान हो, बार बार रूप बदल कर सामने आ रहे हो। रूप तो मेरा वही है जो पहले था, लेकिन रंग तुम बदलते रहते हो। वो कैसे यार? इस वक्त तुम्हारे मुंह से शराब की बदबू आ रही है। शेखर यार, ये बच्चा तो बहुत ही प्यारा है ना? हाँ। अरे जो देखता है इसे अपने सीने से लगा लेता है। एक मैं ऐसा खुशनसीब हूँ जिसके सारे गम इसने अपने सीने से लगा रखे। लगता है तुम्हारे पास काफी दिनों से। अरे तुम तो मुंह फेर कर चल दिए थे परदेश में, यही तो एक मेरा सहारा बना। अब इसके बिना इतनी बड़ी दुनिया में आज मैं फिर अकेला हो जाऊंगा। शेखर एक बात कहूं? कहो यार। ये बच्चा मुझे दे दो। तुम्हें दे दू? न जाने कितने दिनों के बाद इसकी खोई माँ का पता चला है। अमर, मैं इसे इसकी माँ के पास ले जा रहा हूँ। अरे रहने दो ना यार, मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत आन पड़ी है, मैं इसे ले जाऊंगा। गलत, मैं इसे तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। शेखर, कहीं ऐसा ना हो कि एक पराए बच्चे की खातिर दो दोस्त टकरा जाए। ये तुम्हारे लिए पराया हो सकता है, लेकिन अपने माँ बाप की उम्मीद का आखिरी सहारा होगा। शेखर कहाँ लेके जाएंगे? वाह 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 वाह, बच्चे को इन्हों लेके जाएंगे? अरे पाल पोसने वाला कौन, पैदा किया कौन, हम लोग क्या तालियां बजाने के वास्ते हैं क्या? हाँ नहीं ना, अमर मैं जिंदगी ये बच्चे बजाने आऊंगा। छोड़ो अमर मुझे। अरे दलील गीता, गीता, गीता जी तुमने क्या हालत बना रखी है? मेरी फिक्र मत करो अमर, मेरी फिक्र मत करो। मुझे राजपाल ने फोन कर दिया था, मैं जान पे खेल के तुम्हारे पास आई हूँ ये बताने के लिए कि राजू तुम्हारा बेटा है। अमर, तुम्हारे चले जाने के बाद आरती को बच्चा हुआ था। आरती तुम्हारा वफादार बीवी है, ये तो सब राजपाल के चाल बाजी है। अमर होगी ये बच्चा आरती के सारे प्रॉपर्टी के वारिस है। राजपाल इस बच्चे को लेके कैलाश बाबू को दे देगा और कैलाश बाबू उसे मार डालेगा। अमर मार डालेगा, उसे बचा लो अमर। वो नासिक वाला बंगला है ना, नासिक वाला बंगला ना, उससे क्या हो? उसे बचा लो अमर, उसे बचा लो, उसे बचा लो अमर, उसे बचा लो।
कहीं ऐसा ना हो कि एक पराए बच्चे की खातिर दो दोस्त टकरा जाए, पैदा करके छोड़ जाते हैं सड़कों पर मरने के लिए। झूठे हो, बाप का भाई कैसे होगा, मेरा तो कोई बाप ही नहीं है। देखो अजीब मेरा बेटा, मैंने अपने बेटे को मौत के मुंह में धकेल दिया शेखर, मैं अपने बेटे का खूनी हूं, कातिल हूं, हत्यारा हूं शेखर, मैं हत्यारा हूं। अमर, इन बातों के लिए वक्त नहीं है, राजू की जान खतरे में है, हमें उसकी जान बचानी है। अमर अमर सैदू, सैदू सैदू देखो यहां से चौथा मकान लेना था, वहां जाकर तुम कह दो मैं भी आता हूं। अमर, हेलो, राजपाल जी, कैलाश बाबू। हाँ हाँ, बच्चा मेरे पास है, मैं उसे लेकर अपने विल्सन डैम वाले बंगले पे जा रहा हूँ, आप निम्मो को लेकर वहाँ आ जाइए। ठीक है राजपाल, मैं जल्दी से जल्दी निम्मो को लेकर वहाँ पहुँच रहा हूँ। गुड। दीदी गजब हो गया, दीदी बहुत गड़बड़ घोटाला हो गया, मुन्ने को गुंडे लोग पकड़ के ले गए, कहाँ ले गए मेरे को मालूम नहीं, वो नासिक के पास ना कौन सा तुम्हें बंगला है देखो उधर ले गए वो लोग। चलो हम पुलिस को चलते हैं। बैठा दो इधर, बैठ जाओ इधर। रो मत बाबा, तुम्हारे ग्रैंड पापा आते ही होंगे, तुम्हारे लिए चॉकलेट लाएंगे और फिर हमारे लिए भी। कैलाश बाबू, पाल तुम आदमी बड़े काम के, जो कुछ कहते हो वो कर दिखाते हो। कैलाश बाबू, मेरा फैसला पत्थर पे लकीर की तरह होता है, मैं निम्मो को हासिल किए बगैर ये बच्चा आपके हवाले नहीं करूंगा। राजपाल, मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, बिजनेस में दगाबाजी नहीं करता। निम्मो गाड़ी में मौजूद है, उसने मेरे फायदे के लिए तुमसे शादी करना मंजूर कर दिया। गुड, वेरी गुड, वाइस गर्ल। कैलाश बाबू, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं आपकी बेटी से शादी करने के बाद उसे महारानियों की तरह रखूंगा, हवन तैयार है, पंडित मौजूद है, यह शादी अभी होगी, मैं उसे अभी लेकर आता हूं। हाय स्वीटहार्ट, कम ऑन। हो गया तो मैं तुम्हारे बॉस को गोली मार दूंगा। दगाबाज कमीने, जिंदगी भर मेरी फेंकी हुई हड्डियों पर अपना पेट पालता था, और आज कुछ करने का वक्त आया तो मुझसे मेरी बेटी तलब करता है। Thank you.
मेरे बेटे, मेरे बच्चे, you
आरती। स्वामी, स्वामी। अमर, अब तुम सीधे रास्ते पर चलो। तुम्हारी बदौलत बदमाशों का एक बहुत बड़ा ग्रोह खत्म हो चुका। पुलिस को वो हाथ भी मिल गया। बाजी वाले, तुम कहाँ जा रहे हो? पहलवान, हम जा रहे हैं। तुम्हारे घर वाले आ गए, अब तुम अपनी मम्मी डैडी के साथ रहो। तो फिर बाजा कौन सुनाएगा? ये लो। मुझे बाजा नहीं चाहिए, तुम चाहिए। शेखर, मेरे दोस्त, आज तुम्हारी वजह से हम दोनों की आंखों का नूर सलामत है। अगर तुम ना होते तो मैंने अपने बच्चे को अपने हाथों मौत की नींद सुला दिया होता। हाँ हाँ, क्या हरदाना पैदा हो गए। पाल को उसके बड़ा कौन किया, लेके कौन जा रहे हैं? छोड़ो ना हजरत, मेरी अंधी माँ ने छोटे से बड़ा किया ना। हाँ, अरे क्या हुआ, हम काले हैं तो क्या हुआ, तुम्हारे साले है ना भाई।